मुझे पीएचडी करना चाहिए कि नहीं, यह भी सवाल कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे किया है। एक टाइम था जब मैं भी उस बोट में था। इनफैक्ट मैं तो अपने आप को उस कैटेगरी का मानता भी नहीं था। मुझे बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना था और मैंने सोचा कि मास्टर्स के बाद कुछ वर्क एक्सपीरियंस कर लूंगा, फिर आगे देख लेंगे। एक टाइम पे मेरी सोच ऐसी थी और शायद मैं मास्टर्स एमबीए उस डायरेक्शन में भी जाने वाला था। पीएचडी मैंने ऑनेस्टली कहूं तो शुरू से प्लान नहीं किया था, लेकिन एक चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। वो था जब मैं मास्टर स्टूडेंट था, तब मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च करना है। और उस रिसर्च का पर्पस था, एक तो मास्टर्स थीसिस हो जाएगी अच्छी सी, और दूसरा शायद रिसर्च करते करते अगर फंडिंग मिलती है तो उसके जैसा कुछ नहीं होता है। आपको एक रिसर्च फेलोशिप मिलती है जो प्रेस्टीजियस तो है ही, पर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाती है। तो ये सोचकर मैं प्रोफेसर से बात करता था, और ऐसे एक प्रोफेसर से बात करते करते उन्होंने एक टॉपिक मुझे दिया, और वो टॉपिक तो मुझे शुरुआत में एकदम बाउंसर जैसा लगा। ऐसा था कि मैं वो ना करूं, लेकिन उन्होंने जो पेपर्स दिए थे मैं वो घर लेकर गया, उन्हें पढ़े। 2 या 3 दिन तक शायद नॉनस्टॉप पढ़े होंगे मैंने, समझने के लिए कि ये बोल क्या रहे ये ऑथर्स। और ऐसा फैसिनेटिंग टॉपिक था। मैंने फिर वो प्रोफेसर से पूछा, क्या मैं आपके साथ फ्री में काम कर सकता हूँ, मुझे आपको असिस्टेंटशिप करनी है। उनके पास फेलोशिप अपॉर्चुनिटी थी नहीं तभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे सीखना है, ये मेरा गोल था। तो ये करते करते समहाउ 5-6 महीने हो गए, और उस टाइम में वो टॉपिक ऐसा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे कि मैंने सोचा कि सिर्फ मास्टर्स करके निकलूंगा तो कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि मास्टर्स आपकी हो जाती है 1.5 साल में, बाकी जो 6 महीने होते हैं वो शायद थीसिस लिखने में, जॉब सर्च में चले जाते हैं। तो मैं सोचा इतने टाइम में क्या सीख पाऊंगा। तो मैंने वो प्रोफ से कहा उस टाइम पर कि मेरा इंटरेस्ट तो आया है पीएचडी करने में, और एक्चुअली वो प्रोफ मुझे वो फ्री का काम शुरू करने के बाद विद इन 1 or 2 months ही वॉज आस्किंग मी कि मुझे पीएचडी करना है कि नहीं। ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी, वो बिलीव करता था कि मैं पीएचडी कर लूंगा, लेकिन मैं खुद नहीं बिलीव करता था। पीएचडी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। आप कुछ भी एवरेज इयर्स ढूंढ लो, लोग बोलते हैं कि आप पीएचडी 5 साल में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने उससे कहीं ज्यादा टाइम भी लिया है। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती पीएचडी में कि आप इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लोगे। मुझे 1-2 महीने में कमिट नहीं करना था, पर हाँ एक बार जब 6 महीने हो गए मुझे अंदर से ही आया एकदम स्ट्रांग कन्विक्शन कि ये मुझे कंप्लीट करके ही रहना है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया। आप लोग के लिए, अगर आप इस बोट में हो तो मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा। सबसे पहले क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए, अलग अलग टॉपिक्स पढ़े, और जिन टॉपिक्स को आप नेचुरली चूज करते हो उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि आपका एक स्ट्रांग इंटरेस्ट है वहां पर। आप बार बार किसी के कहने के बगैर आप उस टॉपिक में ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो उसका मतलब है कि कुछ कनेक्शन है आप में और उस टॉपिक में। उन चीजों को साइड में रखो और उन्हें ज्यादा टाइम देना। फिर वो टॉपिक्स में आपके करीब कोई प्रोफेसर्स, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई कंपनीज उस टॉपिक में काम कर रही है तो आप कोशिश कीजिए कि उन लोगों के साथ आप कनेक्ट करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप शुरुआत से ही उन्हें फेलोशिप के लिए या जॉब के लिए अप्रोच कीजिए, नहीं, आप ढूंढिए कि कौन है आसपास जो उस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, और एक बार आपको पता चला कि ये लोग कौन है फिर उन लोगों के साथ बातें कीजिए, ट्राई कीजिए समझने की कि उनका काम है क्या। आपके अजम्पशंस भी होना फेयर है, पर उन्हें वैलिड करना भी आपकी ड्यूटी है। तो
उसके लिए अजम्पशंस को वैलिड करने के लिए आप एक्सपर्ट से बातें कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि नेक्स्ट स्टेप है क्या। कहीं जगह पर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जैसे मैंने किया वो प्रोफेसर का ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबल है तो फ्री में आप अपनी सर्विसेज ऑफर कीजिए कि मैं आपका रिसर्च वर्क करूंगा, आपके स्टूडेंट्स को असिस्ट करूंगा सिर्फ समझने के लिए, सीखने के लिए। और अगर आपकी कोशिश और आपका इंटरेस्ट एकदम स्ट्रांग है तो फिर नेक्स्ट रास्ता आराम से निकल आएगा। सो मेरे हिसाब से पीएचडी अगर आप श्योर नहीं है तो उसको रूल आउट मत कीजिए, उसे थोड़ा और टाइम दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोग ही है जो एकदम श्योर होता है शुरुआत से कि उन्होंने डॉक्टरेट करनी है। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, कुछ लोग और वर्क एक्सपीरियंस के बाद डिसाइड करते हैं कि उन्हें डॉक्टरेट करनी है। ये प्रोग्राम अमेजिंग है, इससे आपको सेटिस्फैक्शन देने वाला कुछ बहुत ही कम चीजें होंगी लाइफ में, और उतना टाइम, उतना डेडिकेशन, उतना फोकस मांगने वाली भी चीजें बहुत ही कम होंगी लाइफ में। इन अदर वर्ड्स, एक स्पेशल चीज है, उसे टाइम दीजिए डेवलप करने के लिए। सो अगर आपको ये चीजें कुछ कनेक्ट करी है कहां पर, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।